सबसे पहले जो है हम हाउस हाउस क्या होता है उसके बारे में जो हम बार बार बात करते हैं ना कि ये ग्रह इस घर में है तो ये फल देगा। हाँ तो घर क्या होता है आपको बताया ही था कि जो हम जहाँ बैठे हैं हमारे सिर के ऊपर 10th हाउस होता है, मतलब कोई भी प्लेनेट अगर हमारे सिर के ऊपर है तो हम उसे कहेंगे कि 10th हाउस में है। जैसे सूर्य अगर इस समय हमारे सिर के ऊपर हो तो हम कहेंगे 10th हाउस में है। अब 3 बज रहे हैं मान लो तो अभी वो 9th हाउस में होगा। हाँ और फिर उसके बाद फिर वो 8th हाउस में चला जाएगा। ठीक है तो अभी जो मतलब लगन क्या होता है, पहला घर जो कि पूर्व में उदय हो रहा है उसको हम पहला घर कहते हैं, और जो वेस्ट में जो डायरेक्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो भी होता है उसको हम 7वां घर कहते हैं, सिर के ऊपर 10वां। ठीक है और उसके धीरे धीरे ऐसे ऊपर करके 12 11 10 9 8 7, और फिर जो कि हमें दिखाई नहीं देते एरियाज वो पृथ्वी के, तो वो है 6 से लेके और 2 तक। तो हाउस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, या तो ग्रह होते हैं या हाउस होते हैं। कोई भी फल ग्रह का, ग्रह तो सारे सबकी कुंडली में नौ की नौ है तो सबकी कुंडली तो एक जैसी नहीं होती है, उसका जो अंतर होता है वो सिर्फ इसी बात का अंतर होता है कि वो कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है। ठीक, और किस राशि में बैठा है वो भी एक अंतर होता है, लेकिन राशि का अंतर जो है वो सेकेंडरी है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कौन से भाव में बैठा हुआ है। अब भाव क्या होता है, भाव जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही भाव भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रह क्या है कि सूर्य जो है रिप्रेजेंट करता है पिता को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है और हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, मन जो है चंद्रमा जो है मन को रिप्रेजेंट करता है, मंगल हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार से भाव जो है 12 भाव वो भी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा मतलब ज्योतिष जो है सारी की सारी केंद्रित है इन 12 भावों के ऊपर। प्रथम भाव क्या है, लग्न जिसे कहते हैं, हाँ लग्न भाव, इससे हम देखते हैं देह काया मतलब हमारा शरीर कैसा होगा, शरीर की रचना कैसी होगी, हमारा व्यक्तित्व यानी हमारा नेचर कैसी हो कैसा होगा, चेहरा हमारा कैसा होगा, स्वास्थ्य हमारा, ये चरित्र हमारा क्या होगा, स्वभाव कैसा है, मतलब नेचर और हेल्थ और फिजिक पर्सनालिटी ये सारा हमारा इसी से रिप्रेजेंट होता है। और हमको सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी कितनी समृद्धि होगी, ये आयुष हमारी आयु कितनी रहेगी, हमारी बुद्धि कितनी है, कितना हमारा सौभाग्य है, ये सभी वक्त चीजें जो है प्रथम भाव रिप्रेजेंट करता है। मेन रूप से अगर आपका पहला घर अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, नेचर अच्छी होगी और उसी से ही आप उससे पता चलता है हेल्थ कैसी होगी और उसी से पता चलता है हम कैसे कितना सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वह है उसको हम धन भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं और उसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। सेकेंड हाउस या धन भाव या कुटुंब भाव, फैमिली हाउस ऑफ फैमिली या हाउस ऑफ फाइनेंस, अंग्रेजी में हाउस ऑफ फाइनेंस कहेंगे। ठीक है, और इससे हम क्या देखते हैं, संपत्ति, परिवार, कुटुंब है तो इसलिए परिवार को देखते हैं, परिवार में जैसे चाचा चाची ताया ताऊ, फैमिली मतलब थोड़ा बड़ा परिवार जो है, खाली अपना बच्चे और वो नहीं, मतलब पूरा कुटुंब, कुटुंब का भाव है ये, ना कि अपने परिवार का सिर्फ। और संपत्ति भी इसी से देखी जाती है, हमारे पास फाइनेंस कितना होगा, हमारे पास कितनी सेविंग्स होंगी, वाणी हमारी कैसी होगी, आवाज मुंह जो है ना वो इसी से रिप्रेजेंट होता है, दाई आंख राइट। वैसे तो आंखें इन जनरल रिप्रेजेंट होती है इससे, खाली दाई नहीं, दाई और बाई दोनों होती हैं, लेकिन मेन अगर हम एक आंख के ऊपर देखना चाहेंगे तो दाई आंख के लिए सेकंड हाउस है और
ट्वेल्थ हाउस जो है वो बाह्य आंख के लिए है, बाह्य आंख, ठीक है, और नाखून, जिह्वा, नासिक, नासिका, दांत, हमारा क्या उद्देश्य है, भोजन हम क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारा इसी से देखते हैं, हमारा क्या कल्पना करते हैं, हम क्या जवाहरात हमारे पास हैं, गहने, कीमती पत्थर, मतलब कितना हमारे पास, ये सब कुछ हमारे पास, हमारे पास कितनी कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा ये सब इस पे देखते हैं। तृतीय भाव, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो है छोटे भाई बहन, छोटे पर इसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, कि हमारा है हाउस ऑफ एफर्ट्स एंड सहोदर भाव, यानी हाउस ऑफ ब्रदर्स, सहोदर माने भाई, तो हाउस ऑफ ब्रदर सिस्टर्स, तो सर वो बड़े हाँ भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, हाउस छोटे भी होते ऑफ हैं, हाँ, ये खास तौर से छोटे भाई को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता फर्स्ट हाउस को क्या है। बोलेंगे? क्या बोला, अच्छा ओके, सुनाई नहीं फर्स्ट हाउस दिया, को फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, और सर मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, हाँ अगर सेकेंड हाउस खाली है, कुछ है ही नहीं ग्रह, तो हाँ फिर तो भी वहां पे कोई ना कोई तो राशि होगी, वहां पर उसका मालिक नहीं कोई ना है, कोई होगा, राशि सिर्फ तो होगी होगी ना, फाइव, हाँ राशि हाँ राशि है, राशि है, तो रहेगी रहेगी, और कोई ना कोई प्लैनेट उसका मालिक होगा, राइट, है? फाइव नंबर लिखा है उस पर, हाँ, तो सूर्य की राशि हो गई, सूर्य कहीं जहां पर होगा फिर वो बताएगा। ठीक है ओके। तो तृतीय पहला भाव जो है तन भाव कहलाता है, तन, जैसे ये धन भाव है, ये पराक्रम भाव है, तीसरा पहला भाव तन भाव कहते हैं, लग्न भाव भी कहते हैं और तन भाव, छोटे भाई बहन आएंगे इससे, सहोदर वही मतलब, सहोदर मतलब कि बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से ही छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई बहन को देखने के लिए हम इलेवंथ हाउस भी देखते हैं, इलेवंथ हाउस में बड़े भाई बहन आ जाते हैं, फिर संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, पड़ोसी इसी से देखेंगे, साहस हमारा कितना साहस है, कितने बहादुर हैं, फिर हमारा सीना जो है इससे रिप्रेजेंट होता है, दायां कान, दायां कान इससे है, लेकिन दोनों कान भी इसी से होते हैं देखेंगे, इन जनरल दोनों कान इसी से देखेंगे, सुनने की क्षमता भी इसी से देखेंगे, अगर हमारे में कोई सुनने की कमी है तो वो इसी से रिप्रेजेंट होगी, और दायां कान तो है ही है, दोनों कान भी इसी से है, अदरवाइज बायां कान जो है वो इलेवंथ हाउस होगा, बायां कान इसका मिरर इमेज हो गया ना एक तरह से, सेकेंड हाउस का मिरर इमेज क्या हो गया, ट्वेल्थ हाउस, थर्ड हाउस का मिरर इमेज हो गया इलेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस का मिरर इमेज टेंथ हाउस, लाइक दैट, तो लेफ्ट राइट इस तरह से चलता जाएगा, ये राइट साइड है, जो डार्क हाफ है वो राइट साइड है, जो ब्राइट हाफ है वो लेफ्ट साइड है, लघु यात्राएं, छोटी यात्राएं इसमें, और नाड़ी तंत्र, नाड़ी मतलब ये नर्वस सिस्टम, नाड़ी का मतलब है नर्वस सिस्टम से मतलब है यहाँ पे, संचारण, संचारण का मतलब है ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन वगैरह, हाँ हमारे पास कितनी सुविधा रहेगी कम्युनिकेशन की, संप्रेषण वही, लेखन, लेखन माने किताब लिखने का फैस, क्या हम रहेंगे लेखक, रहेंगे बनेंगे नहीं बनेंगे, समाचार, सूचनाओं, पत्रों की सूचना, विवरण, संवाद लिखना, शिक्षा, बुद्धि, ये सब चीजें हम ये तीसरे घर से देखते हैं, मतलब कम राइटिंग, एडिटिंग पावर, और सुनने की शक्ति, और पड़ोसी और छोटे भाई बहन, ये सब थर्ड हाउस है। चौथा हाउस ये हमारा बेसिकली, ये इस चार्ट को ना आप देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है,
स्वयं यानी कि तन भाव, ये धन भाव, पराक्रम भाव, मातृ भाव, संतान संतति भाव, रोग भाव, कलत्र भाव, कलत्र माने स्पाउस, आयु भाव, धर्म भाव, कर्म भाव, आय इनकम और व्यय खर्च, खर्च कितना होगा। तो ये इस तरह से इनके नाम है। ये या तो 1 2 3 कर दो, 1 फर्स्ट पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, लेकिन इनके जो नाम है वो ये है। नाम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को, हाउस की प्रॉपर्टी को, ये बाद में बताऊंगा। चौथा भाव जो होता है माता सब, माता का मातृ भाव कहलाता है ना, मातृ भाव या सुख भाव हमारा, या हमारा, हमारे को घर में कैसा सुख मिलेगा वो चौथा घर रिप्रेजेंट करता है, और हमारे को माता का सुख कैसा रहेगा वो भी चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। संबंधी हमारे, वाहन, हमारे को वाहन सुख कैसा रहेगा, ये चौथा भाव इम्पोर्टेंट है। हमारा घर कैसा होगा उसके लिए भी चौथा भाव है। घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि, आवास, आवास जहाँ हम रहते हैं, शिक्षा हमारी कैसी डिग्री होगी, कितनी जमीन जायदाद हमारे पास कितनी होगी, आनुवांशिक प्रकृति हमारे पास स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होगी, जीवन का उत्तरार्ध भाग, उत्तरार्ध मतलब बुढ़ापा कैसा जाएगा, छिपा खजाना। प्रॉपर्टी इज द सेकंड हाउस ऑल्सो। आपका ना स्पीकर खराब है, कुछ आवाज नहीं आती है सही से सुनीता जी। हाँ आपकी बात बहुत ऐसा अजीब सी आवाज आती है, तो आप इसको ठीक करिएगा, देखिए। और प्रॉपर्टी का हाउस चौथा है, और दूसरा जो है ना वो इनकम का भाव, वो है सेविंग्स का हाउस है, धन भाव है वो, उसमें हम सेविंग कितनी कर रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज ठीक, किसने बोला आवाज जो जरा ठीक कीजिए, आपका स्पीकर ठीक नहीं, लो ऑन सिग्नल। चलो कुछ नहीं होता, मैं बाद में पूछ लूंगी, कुछ नहीं होता। हाँ अभी तो आवाज ठीक हो गई। खैर, फिर प्रेम संबंध, गुप्त प्रेम संबंध है ये, मतलब इसमें मेनली लव अफेयर्स का जो घर है वो पंचम भाव है, सीना मतलब छाती, और विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, क्योंकि हमारी सास ससुर वगैरह कैसे रहेंगे, परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े, ये सब चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। एक्चुअली जब भी आपको कोई सवाल पूछता है ना आदमी, तो आपको सीधा, जैसे कोई पूछता है जी मैं कि मेरी शादी कैसी होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, तो आपको उस मालूम होना पड़ेगा कि ये हस्बैंड के बारे में कहाँ से देखना है, कि वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। आप कोई पूछे आपको मेरी एजुकेशन कैसी होगी, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो आपको मालूम होना पड़ेगा ना कि कौन से घर से उसको देखे हैं, पास फेल कहाँ से देखा जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ये हाउसेस की इम्पोर्टेंस है। तो हर सवाल तो कोई भी हो सकता है ना, किसी भी तरह का लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं डिवाइड किया हुआ है किसी न किसी हाउस में और किसी न किसी ग्रह में, दोनों असाइन किए हुए हैं, हाउस भी और प्लैनेट भी। राशियों का मतलब नहीं है इसमें, हाउस इम्पोर्टेंट है, हाउस कोई ना कोई हाउस होगा उसका, कोई ना कोई प्लैनेट होगा, और उन दोनों को देखेंगे ये प्लैनेट कहाँ बैठा है और ये हाउस का, हाउस में कौन बैठा है या कौन इस पे दृष्टि डाल रहा है, इस तरह से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हाउस खराब है या बिगड़ा हुआ है या अच्छा है, ये प्लैनेट अच्छा है या बिगड़ा हुआ है, तो दो चीज़ों को देखा जाता है, और राशि बताएगी कि वो हाउस कितना खराब है कितना अच्छा है, या किस राशि में बैठा है ग्रह तो वो बताएगा कितना हाउस अच्छा है खराब है। तो इस तरह से राशि का जो काम है ना वो अच्छा बुरा बताने का काम है, जबकि हाउस का और प्लैनेट का काम है कि उसको उस रिजल्ट को देना, उस रिजल्ट को देगा वो कैसे देगा, कितना अच्छा देगा, अच्छे से देगा, बुरे से देगा, वो उसके अंदर बैठी राशि बताएगी।
या वो किस, वो ग्रह किस राशि में बैठा है वो बताएगा। अब पंचम भाव ये संतान भाव कहलाता है या शिक्षा भाव, तो एजुकेशन का हाउस जो है ना वो चौथा घर है, ये शिक्षा भाव नहीं है, इसको कहेंगे इस इंटेलिजेंस हाउस ऑफ आईक्यू, ये है इंटेलिजेंस का हाउस। तो बुद्धि, बुद्धि भाव है ये, तो संतान देखते हैं इससे बुद्धि देखते हैं, प्रसिद्धि देखते हैं, श्रेणी देखते हैं, उधर उधर रोग, उधर मतलब कि पेट, पेट का रोग होगा तो इस भाव को देखेंगे, प्रेम संबंध इधर से देखते हैं पंचम भाव से। सर एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखेंगे? हाँ एजुकेशन इज फोर्थ हाउस, इससे आपका ये पता चलता है कि आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन एजुकेशन जीरो होती है जी, और कई बार एजुकेशन बहुत अच्छी होती है आईक्यू जीरो होता है, लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन उनसे कुछ पूछ लो ना तो वो निरुत्तर हो जाते हैं, जवाब नहीं दे सकते। सुख मतलब प्रेम संबंध सुख, वही उससे मतलब है मनोरंजन, हम क्या हम सट्टा और खेल कूद का जो है ना वो उस पंचम भाव से देखते हैं। पूर्व जन्म ये एक इम्पॉर्टेंट है, पूर्व जन्म में हम क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे वो सब ये पंचम भाव से देखेंगे, हमारी आत्मा के बारे में, जीवन स्तर हमारा कैसा रहेगा, पद प्रतिष्ठा कैसी रही, कलात्मकता हम कितने कुछ कलात्मक मतलब कितना हम डिज़ाइन ड्राइंग कर सकते हैं, या हमारे में चीज़ को कितना संभाल के और अच्छे से रखने की आदत है। हृदय उधर भी देखते हैं और इसे हृदय, हृदय वैसे फोर्थ हाउस से भी देखा जाता है और हृदय फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है। पीठ, पीठ मतलब अपनी बैक, खेलों में निपुणता, खेलने में और प्रतियोगिता में सफलता, ये सब ये पंचम भाव से देखते हैं।